वन ऐड कर दिया। तो ये कंफर्म है कि ग्रेटर होगा 7a का पावर 4, b का पावर 4, c का पावर 4, whole का पावर 1/7। लेफ्ट साइड को अब लिख दिया 1 प्लस a, 1 प्लस b, 1 प्लस c। ये ग्रेटर 7a का पावर 4, b का पावर 4, c का पावर 4, whole का पावर 1/7। दोनों तरफ पावर 7 कर देंगे तो 1 प्लस a का पावर 7, 1 प्लस b का पावर 7, 1 प्लस c का पावर 7 ग्रेटर देन 7 का पावर 7, a4 b4 c4। प्रूफ हो गया। आई बात समझ में? यस सर। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो सर, ये लास्ट थर्ड स्टेप। हमने कहा कि अगर ऐसे समझो, तुम्हारे पास जो पैसे हैं और जो तुम्हारे दोस्त के पास पैसे हैं, मान लो बराबर है, तो अगर तुम्हें हमने 1 रुपये और दे दिए तो कंफर्म है तुम्हारे पास जो पैसे होंगे अपने दोस्त वाले पैसे से ज्यादा हो जाएंगे, हाँ या ना? यस सर, यस सर। और अगर तुम्हारे पास पैसे तुम्हारे दोस्त से ज्यादा है, तब भी अगर तुम्हें पैसे देंगे तो तुम्हारे दोस्त वाले पैसे से ज्यादा होंगे। तो वही है, एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है तो एक्स को अगर 1 दे दिया तो कंफर्म है वो वाई से ग्रेटर हो जाएगी। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया इक्वलिटी हटाने के लिए। ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है तो 1 प्लस x ग्रेटर देन y हो जाएगा। फिर इसको आप ये लिख लो, फिर दोनों तरफ पावर 7 कर दो तो ये आ जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रियल नंबर्स a का पावर -5, a का पावर -4, 3a का पावर -3, 1 a का पावर 8 and a का पावर 10, वेयर a इज ग्रेटर देन 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रियल नंबर्स, इनके सम की मिनिमम वैल्यू बतानी है। सम का यूज हो रहा है, a पॉजिटिव है तो सारे नंबर पॉजिटिव हो गए। सम की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन में अपने आप सब ऐड हो जाएंगे और ज्योमेट्रिक मीन में प्रोडक्ट होंगे। तो जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे देखो -9 है, -3 -12 और +18, इससे आपका a का टर्म बच जाएगा। अगर सबको मल्टीप्लाई अभी कर दोगे अगर इस स्टेप में, तो ये 8 + 10 = 18 हो गया और यहां से -12, तो a का पावर 6 बच जाएगा। तो प्रोडक्ट, हाँ, 8, इसकी सम की मिनिमम वैल्यू 8। चलो अभी चेक कर देते हैं बच्चे। ओके सर। हम क्या करेंगे, 3a का पावर -3 है ना, इसको स्प्लिट कर देंगे। हम नंबर ऐसे ले लेंगे, a का पावर -4, a का पावर -5, a का पावर -4, और 3 times a का पावर -3 है ना, इसको 3 बार लिख लेंगे, a का पावर -3, a का पावर -3, a का पावर -3, ताकि जब ये ऐड करेंगे तो 3 times आ जाए। उसके बाद 1 है, a का पावर 8 है, a का पावर 10 है। अब अगर आप ऐसे नंबर लोगे तो क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो पावर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 18 हुआ
और ये देखो इनका पावर का सम भी 18 हुआ। अब आप ये नंबर लोगे, कहोगे कि इनका जो अर्थमेटिक मीन है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन में आपको सबको ऐड करना पड़ेगा बच्चे, ऐड करोगे डिवाइड बाय जितने नंबर हैं, तो नंबर हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए, 3 और 2 8 नंबर हो गए। अर्थमेटिक मीन में सबको ऐड करोगे तो a का पावर -5, a का पावर -4 और ये जब ऐड हो जाएगा तो अपने आप 3 का टाइम्स a का पावर -3 आ जाएगा, +1 a का पावर 8, a का पावर 10। और जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने आप 1 आ जाएगा, तो a का पावर -5, a का पावर -4 +3 a का पावर -3 +1 a का पावर 8 प्लस a का पावर 10 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो जो तुमने कहा कि मिनिमम वैल्यू 8 होगी वो बात सही है। दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब मिनिमम वैल्यू सम की आ गई 8 के बराबर। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बच्चे ने कहा, हमने जो भेजा था क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन नंबर 13 पूछा था किसी ने। पहले ये बात समझ लो कि कोई भी अगर एपी का चीज है। सर आपका पेज पूरी तरह नहीं दिख रहा। यस सर अब दिख रहा। अगर कोई एपी का चीज है, एपी में कोई नंबर है, तो उसका रेसिप्रोकल एचपी में होता है। कोई नंबर अगर एपी में है, जैसे मान लो हमने नंबर ले लिया 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे नंबर ले लिया, अगर हर नंबर में आपने 2 ऐड कर दिया, हर में अगर 2 ऐड कर दिया तब भी ये एपी में ही हो गया। अगर आप एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, मान लो तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले को, तो ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, ये 14 हो गया, ये 18 हो गया, अभी भी ये एपी में है विथ कॉमन डिफरेंस 4। तो अगर कोई एपी में है तो सेम नंबर आप ऐड करो, सेम नंबर माइनस करो, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एपी में होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनो, मैं लिख नहीं रहा हूं, सुनोगे जरा। अगर कोई भी नंबर सब एपी में दिया हुआ है, हर नंबर में सेम नंबर ऐड करो, हर नंबर में सेम नंबर माइनस करो, हर नंबर में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो। किसी का ऑडियो चालू है प्लीज बंद कर दें। सेम नंबर से डिवाइड करो, वो एपी में आएगा। इसी का यूज करना है। क्वेश्चन है आपको जो शीट दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। x दिया हुआ समेशन ऑफ a का पावर n, जहां पे n की वैल्यू 0 से इनफिनिटी है। y दिया हुआ समेशन ऑफ b का पावर n, जहां पे n की वैल्यू 0 से इनफिनिटी है। z दिया हुआ है समेशन ऑफ c का पावर n, जहां पे n की वैल्यू 0 से इनफिनिटी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी एपी में दिया हुआ है, जहां ए का मॉड 1 से कम, बी का मॉड 1 से कम, सी का मॉड 1 से कम है, देन एक्स वाई जेड आर इन किसमें होगा ये बताना है, एपी में, जीपी में, एजीपी में, एचपी में। ठीक है?
किसी ने ये पूछा था, भेजा था मुझे सॉल्यूशन। अब ये देखो जरा एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू जीरो दिया तो ए का पावर जीरो वन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट एन की वैल्यू वन दोगे तो ये ए आएगा, उसके बाद ए स्क्वायर आएगा, ऐसे करके अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। ये इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम का फॉर्मूला लिख लिया, वन अपॉन वन माइनस ए हो जाएगा। फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म वन है, कॉमन रेशियो ए का है। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, आर की जगह ए है, फर्स्ट टर्म की जगह वन है। सेम तरीके से वाई जो है हमारे पास है वन प्लस बी ए स्क्वायर से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, तो इसको लिख लिया वन अपॉन वन माइनस बी। और जेड है वन प्लस सी ए स्क्वायर से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये वन अपॉन वन माइनस सी हो गया बच्चे। हाँ या ना? यस सर। अब आप कहोगे कि ए बी सी एपी में दिया हुआ है, तो हमने माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी ये एपी में होगा, वन अगर हम ऐड कर देंगे तब भी ये एपी में होगा, और इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो अब ये एचपी में हो जाएगा बच्चे, होगा। और यही एक्स है, यही वाई है, यही जेड है, तो यहां से एक्स वाई जेड एचपी में आ गया। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। जेड जो होगा वो एचपी में हो जाएगा। सर टेंथ क्वेश्चन बता दो सर एक बार। क्या बता दे? सर टेंथ क्वेश्चन। नहीं समझा, फिर से बोलो बेटे। सर एक बार टेंथ क्वेश्चन समझा दो सर, इसी एक्सरसाइज का। इसी एक्सरसाइज का कितना नंबर? टेंथ सर, टेंथ। टेंथ बताना है, ओके ओके। अभी हम करेंगे सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे, ठीक है? अभी पहले आप इस पे फोकस करो, क्लास में बीच में बता देंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ऐसी एक क्वेश्चन लेते हैं, थीटा मान लो कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में है, एक्स डिफाइन किया गया, जैसे यहां पे एक्स डिफाइन किया गया वैसे हम डिफाइन किए कॉस का पावर टू एन थीटा, जहां पे एन की वैल्यू जीरो से इंफिनिटी है। वाई डिफाइन कर दिए साइन का पावर टू एन थीटा, जहां पे एन की वैल्यू जीरो से इंफिनिटी है। और जेड हमने डिफाइन कर दिया समीशन ऑफ साइन का पावर टू एन थीटा कॉस का पावर टू एन थीटा, जहां पे एन की वैल्यू जीरो से इंफिनिटी है। थीटा जीरो से पाई बाई टू है, एक्स वाई जेड हमने ये डिफाइन कर लिया। मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन है, इसमें एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होगा या एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा, इस तरह का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना बच्चे, थीटा है जीरो से पाई बाई टू, एक्स ये है, वाई ये है, जेड ये है, तो एक्स को लेके चलते हैं। जैसे इसमें एक्स को लिखा था, एन की वैल्यू जीरो देंगे तो कॉस का पावर जीरो ये वन हुआ, एन की वैल्यू वन देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, उसके बाद कॉस का पावर फोर थीटा आएगा, अप टू ऐसे इन्फिनिटी चलेगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये भी इनफाइनाइट जीपी है, इसके सम का फॉर्मूला ए अपॉन वन माइनस आर, ए की जगह वन है, और कॉमन रेशियो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है। यहां से ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई वन बाई एक्स,
क्लियर है? यस यस सर। सिमिलरली जब y लिखोगे तो वो आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का पावर 4 थीटा अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनफाइनाइट जीपी का सम लिख लिया तो यहां से ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 बाई वाई। क्लियर? वाई हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये लिख लिया। We know that sine square theta plus cos square theta is equal to 1. तो इन दोनों से कह सकते हो कि 1 by x plus 1 by y 1 के बराबर होगा, यानी x plus y जो होगा वो xy के बराबर होगा। ठीक है? Yes sir। अब चलो z को लेके चलते हैं। क्या हो गया बेटे? समझ में आ रही है ये? यस सर। यस सर। ओके चलो जेड को लेके चलते हैं। जेड है समीशन साइन का पावर 2n थीटा कॉस का पावर 2n थीटा, जहां n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है। n की वैल्यू 0 दोगे तो 1 आएगा, n की वैल्यू 1 दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 2 दोगे तो साइन का पावर 4 थीटा कॉस का पावर 4 थीटा आएगा, ऐसे चलेगा अप टू इन्फिनिटी तक। ये भी इनफाइनाइट जीपी है, इसके भी सम का फॉर्मूला लिख लो। फर्स्ट टर्म की जगह 1 है सॉरी, और कॉमन रेशियो की जगह साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चे। ठीक है? अब आप जानते हो पहले रिलेशन से आप लाए थे साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई एक्स के बराबर लाए थे, और सेकेंड रिलेशन में कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई वाई लाए थे, तो इसको 1 बाई एक्स 1 बाई वाई लिख सकते हैं। और जेड हमारे पास हो गया ऐसा कुछ, एलसीएम लेने के बाद ऐसा बन जाएगा, और ये आ गया एक्स वाई जेड माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, ये भी रिलेशन लिख सकते हो। और आपने ये भी प्रूफ किया था कि x प्लस वाई जो था एक्स वाई के बराबर था, तो आप चाहो तो एक्स वाई की जगह x प्लस वाई भी लिख सकते हो। आप एक्स वाई की जगह यहां से x प्लस वाई भी लिख सकते हो, तो एक्स वाई और एक्स वाई जेड में ये सब रिलेशन होंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी एपी में दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एचपी में दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट आइदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा और ए बी माइनस सी बाई टू जीपी में होगा। ठीक है? दो ही इंफॉर्मेशन है, एबीसी एपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एचपी में है। आपको प्रूफ करना है या तो ए बी सी तीनों इक्वल होंगे और ए बी माइनस सी बाई टू जीपी में होंगे। चलो सॉल्यूशन देखो, यहां पे
पहले याद करो, अगर ए बी सी एच पी में होता था तो बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी होता था। तो यहां क्या क्या लिखेंगे जरा इसकी बात करें। ए बी सी ए पी में है तो टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी लिख लोगे। बोलिए सर। और अगर ये एच पी में है तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इक्वल टू टू टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलिए, जैसे ए बी सी एच पी में था तो b इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, यहाँ a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर है, c की जगह c स्क्वायर है। अब यहाँ a प्लस सी पता है, यहाँ पे a स्क्वायर c स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं b स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को लिख दिया ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए सी, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी टू बी के बराबर है। ए प्लस सी टू बी के बराबर है, तो अगर आप यहां पे टू बी लिखोगे तो ये फोर बी स्क्वायर माइनस टू ए सी हो जाएगा। बोलिए yes. जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फोर बी का पावर फोर मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू ए सी बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन गया है, टेंथ में आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है। क्वाड्रेटिक में एक्स की वैल्यू निकालते थे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, याद है? यस सर। यहाँ पे बी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर को दिक्कत लगे तो एक्स मान लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बी आता है तो टू ए सी आ जाएगा प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर होगा फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी करोगे तो ये आ जाएगा एट प्लस ये थर्टी टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे में आता है टू ए तो यहां पे 8 हो जाएगा, a की जगह 4 है। आप ऐसे समझना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में? यस सर। तो यहां से बी स्क्वायर कितने के बराबर हो गया, यहां से आ जाएगा 6ac, रूट हटने के बाद ये 36 ए स्क्वायर सी स्क्वायर है तो 6 ए सी आ जाएगा, तो 2 ए सी प्लस माइनस 6 ए सी बाई 8 होगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू या तो ए सी आएगी और बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाला लोगे तो माइनस ए सी बाई टू आएगा। हाँ या ना? Yes, sir. अब ये देखो, ये वाला कह रहा है कि जब ऐसा है तो बी स्क्वायर ए सी के बराबर आ गया, मतलब ए बी सी जी पी में हो गए और क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी सी ए पी में है, तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब तीनों नंबर सेम हो। कोई अगर एपी में भी है जीपी में भी है तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों नंबर सेम हो, तो उससे ये वाला पार्ट प्रूफ हो गया कि a इक्वल टू b इक्वल टू c। और सेकंड में कह रहा या तो ये होगा या ये होगा, यहां से आप ये वाला कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि a b और माइनस सी बाई टू जीपी में होगा, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है,
यही चीज है यहाँ पे, बोलिए सर। क्लियर है सर। अब ये देखो, अगर नंबर एपी में है, जीपी में भी है, क्यों तीनों नंबर बराबर होता है उसका भी एक्सप्लेनेशन देख लो। अगर हम कहते हैं कि एबीसी एपी में है तो आप कहते हो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, और एबीसी जीपी में भी है तो आप कहते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। पहले में से बी की वैल्यू उठा के अगर यहां पे रखा तो ए प्लस सी बाई टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ गया, तो ए प्लस सी का स्क्वायर इधर फोर ए सी हो गया, तो इधर आके माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, तो ये बन गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ए इक्वल टू सी आ गया, और ए और सी सेम हो जाएगा तो यही बी के बराबर भी हो जाएगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर एबीसी एपी में है और एबीसी जीपी में भी है तो ये तभी होगा जब तीनों नंबर सेम होंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब उस बच्चे का हम 10th नंबर क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th वाला क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स of series 1 square plus 2 into 2 square plus 3 square plus 2 into 4 square plus 5 square plus 2 into 6 square। कह रहा ऐसे का सम, n terms तक का सम is n into n plus 1 का स्क्वायर बाई 2 है when n is even। जब भी ऐसे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n जो होगा इवन होगा तो सम हम ये लिखेंगे। तो क्वेश्चन ये है when n is odd द सम इज, सम क्या होगा ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना जरा। ये जो सीरीज है बच्चे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गया तो इसके हिसाब से चलेगा। जब भी एन इवन, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तो सम ये होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है एन अगर ऑड होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो जाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, चलो ये देखो सॉल्यूशन। यहां पे वन स्क्वायर है प्लस टू इंटू टू स्क्वायर है प्लस थ्री स्क्वायर है टू इंटू फोर स्क्वायर है। आंसर एन स्क्वायर एन प्लस वन बाय टू है। ऑप्शन में देख के, अभी हम याद नहीं है मुझे, मैं देखता हूं करके। ओके सर। प्लस टू इंटू सिक्स स्क्वायर ऐसे चल रहा। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होंगे तो जो nth होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो जो nth टर्म होगा जरा वो देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो, वन में वन स्क्वायर, टू में टू स्क्वायर या टू इंटू टू, फिर थ्री स्क्वायर, ये फोर स्क्वायर, ये फाइव स्क्वायर, ये सिक्स स्क्वायर। इवन वाले में टू इंटू सिक्स स्क्वायर है, फोर वाले में टू इंटू फोर स्क्वायर है, सेकेंड वाले में टू इंटू टू स्क्वायर है। और जैसे मान लो ऑड टर्म लेते हो, मान लो तीन टर्म लिए तो यहाँ पे थ्री स्क्वायर, पांच टर्म लिए तो फाइव स्क्वायर,
तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड होगा तो ये nth टर्म हम क्या लिखेंगे बताओगे? n स्क्वायर. n स्क्वायर, वेरी गुड, n स्क्वायर. अब ये बताओ यहां से लेके यहां तक में, इससे पहले वाले तक में कितने टर्म हो गए? लास्ट को छोड़ दो, इससे पहले कितने टर्म होंगे? n माइनस वन का एन माइनस वन. वेरी गुड. और एन माइनस वन इवन होगा या ऑड होगा? इवन. यानी यहां तक में नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गए. तो कह रहा था कि जब भी इसमें इवन टर्म्स होंगे तो इसके हिसाब से चलेंगे. एन अगर इवन होगा तो ये होगा. तो यहाँ पे एन माइनस वन टर्म्स इवन है तो इसी वाले जो सम दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, n की जगह n माइनस वन रख देंगे. ये समझ में आया? Yes, भाई. Yes, इसमें कह रहा है कि n अगर इवन है तो ये लिखना. मान लो n की वैल्यू 4 है तो n की जगह 4 आएगा. n अगर 6 होगा तो ये n की जगह 6 रखोगे. और n की जगह अगर n माइनस वन आया तो इसके हिसाब से ये हो गया प्लस ये वाला टर्म एन स्क्वायर. तो एन स्क्वायर कॉमन लेके, एन स्क्वायर कॉमन लेके ये एन माइनस वन बाई टू प्लस वन हो गया. और एन स्क्वायर ये हो गया एन प्लस वन बाई टू, ये आ जाएगा. क्लियर है? अब चलो एक सीरीज का और क्वेश्चन लेते हैं. या उससे पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस कर दें. आसान आसान के इंटीजर टाइप में आया हुआ है आईआईटी में. एबीसी इंपॉर्टेंट है. एबीसी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट बी बाई ए इज एन इंटीजर. एबीसी पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट बी बाई ए इज इंटीजर. कह रहा कि एबीसी जीपी में दिए हुए हैं और अर्थमेटिक मीन ऑफ एबीसी इज इक्वल टू बी प्लस टू है. देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 14 अपॉन ए प्लस वन, इसकी वैल्यू बतानी है. इसमें कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं सकते हो. एबीसी पॉजिटिव इंटीजर है और कैसा है कि बी बाई ए हमेशा इंटीजर होना चाहिए. क्वेश्चन में बी बाई ए इंटीजर दिया हुआ है, एबीसी जीपी में दिया हुआ है और एबीसी का जो अर्थमेटिक मीन है वो बी प्लस टू दिया हुआ है. तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. क्वेश्चन क्लियर है? बोलिए. सर. यस सर. चलो अब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे. अपने कॉपी में भी आप साथ साथ वर्क करते रहो. अब ये देखिए
सबसे पहले फोर आपका कितना फोर फोर कैसे निकाला बेटे सर ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री बी प्लस टू का इक्वल हो गया सर एक मिनट हम लिखते जाते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी जीपी में है तो एक तो हुआ बी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी सेकेंड ए बी सी का जो अर्थमेटिक मीन है ये दिया हुआ बी प्लस टू दिया हुआ है तो यहां से आप ये ले आए ए प्लस सी की वैल्यू कितनी ले आए थ्री बी प्लस टू नहीं ये थ्री बी प्लस सिक्स है ना तो बी उधर आएगा तो टू बी प्लस सिक्स आएगा ना ये इधर गया थ्री बी प्लस सिक्स हुआ बी इधर चला गया तो टू बी प्लस सिक्स आ गया यही ना बोलिए यस सर हाँ अब इसके बाद बताओ क्या किया सर बी की जगह ए आर पुट कर दिया बी की जगह ए पुट कर दिया ए आर अच्छा बी की जगह ए आर पुट कर दिया ठीक है और सी की जगह ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर उसके बाद वर्क किया ठीक है तो हम ऐसे कर लेते बच्चा वो तो तुमने अपने तरीके से कर ही लिया चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में कह रहा b बाई a इंटीजर है तो हम क्या करते हैं c को इलिमिनेट कर देते हैं c को हम इलिमिनेट कर दें इसमें तो ये लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a और c की जगह हम लिख दिए 2b प्लस सिक्स माइनस a हाँ या ना यस सर यस सर और ये देखो ये माइनस ए स्क्वायर इधर आके हो गया ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो गया माइनस टू ए बी इज इक्वल टू सिक्स ए आ गया बच्चे इससे ये बी माइनस ए का होल स्क्वायर या ए माइनस बी करोगे चूंकि नंबर बड़ा है ना ए बी सी जी पी में दिया हुआ है तो बी को हम ए से ग्रेटर लेके चल रहे हैं b माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स ए तो b माइनस ए आ गया प्लस माइनस रूट अंडर सिक्स ए और b हो गया a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सिक्स ए होगा यस b बाई a a से अगर हम डिवाइड कर दे तो यहां वन आएगा प्लस माइनस ये रूट अंडर सिक्स बाई ए आ जाएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि बी बाई ए इंटीजर है तो बी बाई ए अगर इंटीजर है तो आप ए ऐसा क्या लो ताकि इंटीजर आ जाए ध्यान रहे अगर आपने ए की वैल्यू देखो एक तो इसको डिवाइड कर दे और प्लस ये रूट भी खत्म हो जाए तो ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर मतलब ये सब आपको इंटीजर ही लेने हैं और बी बाई ए भी इंटीजर है ए बी सी भी पॉजिटिव इंटीजर है और बी बाई ए भी इंटीजर है तो ए की वैल्यू जब सिक्स लोगे ना जैसे देखो वन लिया तो रूट सिक्स आया रूट नहीं हटा टू लिया तो नहीं बात बनेगी थ्री लोगे नहीं बात बनेगी फोर लोगे नहीं बात बनेगी लेकिन जैसी ए की वैल्यू सिक्स ले लोगे ना When a is 6, तो b by a आ जाएगा 1 plus minus 1 आ जाएगा लेकिन b by a 0 नहीं हो सकता क्योंकि a और b इंटीजर है तो b by a की वैल्यू 2 हो जाएगी 0 पॉसिबल नहीं है b by a कैन नॉट बी 0 तो a की वैल्यू 6 लेने पे ही b by a इंटीजर आएगा और आप इस एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है उसमें ए की वैल्यू आप रख दो सिक्स के बराबर तो 36 प्लस सिक्स माइनस 14 अपॉन 7 हो गया तो ये 42 माइनस 14 बाई 7 28 बाई 7 4 तो किसी बच्चे का 4 आया था वो सही है
क्लियर है? यस सर। यस सर। होमवर्क में क्वेश्चन लिखोगे, हालांकि फोटो तो भेजूंगा ही, इसमें कह रहा है A1, A2, A3, A4, ये सब नंबर AP में है। A1, A2, A3, A4 ये सब AP में है। A1 की वैल्यू 15 है बच्चे, और 27 माइनस 2 A2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है? इफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से लेके A11 स्क्वायर अपॉन 11, इसकी वैल्यू 90 है, देन वैल्यू ऑफ A1 से लेके A11 अपॉन 11 इज इक्वल टू, बाकी भी क्वेश्चन भेजूंगा लेकिन आपको ये वाला करना है पहले, ठीक है? आंसर मुझे भेजने की जरूरत नहीं है, बस इसका आंसर हिंट दे दें, इंटीजर ही है। A1, A2, A3, A4 ये सब AP में है। A1 15 है, 27 माइनस 2 A2 ग्रेटर देन 0 है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से लेके A11 स्क्वायर बाय 11 90 है, देन वैल्यू ऑफ A1 से लेके 11 डिवाइड बाय 11 इक्वल टू, कॉपी में करके देखो, अभी 2 मिनट है, आप अपने से ट्राई करो जरा, फिर बताओ।